गरीबों के नाम पर चलने वाली सरकारी योजनाओं की फहरिस्त हर जगह दिख जाएगी, दीवारों पर नारों के शोर में, लेकिन सरकार की योजनाएं और वादे जमीन पर कम हवा हवाई ज्यादा दिखते हैं। सरकार की योजना कैसे हवा हवाई साबित हो रही है, इसका नजारा देखना हो तो आपको लिए चलते हैं आदिवासी बहुल क्षेत्र डूंगरपुर, जहां तरक्की का धुआं गैस चूल्हे से नहीं लकड़ी के चूल्हे से बनकर हवाओं में तैर रहा है। सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं की हकीकत जानने के लिए टीम मांडवा गांव में लोगों के बीच पहुंची तो घर के आंगन के कोने में पड़ा गैस चूल्हा ठंडा पड़ा था। महिलाएं घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा फूंक रही थी, धुएं की वजह से आंखें जल रही थी। जब इन महिलाओं से बात की गई तो पता चला कि सिलेंडर भरवाने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, घर का खर्च भी जैसे तैसे मजदूरी करके चलता है, ऐसे में गैस भरवाने के लिए पैसे का इंतजाम नहीं कर सकती है। गैस माते थाई ने बनावा में गैस खत्म थई गई એટલે खत्म थई गई એટલે ने बनावना पैसा नहीं मिलता है એટલે पैसा सरकार आले तो भरावो ने वे तो पहले हेम ने मस लाकड़ा बाळा असुला मते। इस घर में भी उज्ज्वला गैस कनेक्शन तो था, लेकिन गैस खत्म होने की वजह से पिछले 6 महीने से सिलेंडर और चूल्हा एक कोने में पड़ा था। इन सब का बस एक ही सवाल था कि 2 वक्त का पेट भरने के लिए मुश्किल से घर चलता है, ऐसे में गैस रिफिल कैसे करवाएं? लोगों ने कनेक्शन भी लिए पर ग्रामीण एरिया में अब दोबारा वापस गैस की टंकी भरवाने के लिए परेशानी आ रही है। लोग वापस अपने पुराने पद्धति चूल्हे पे खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं, क्योंकि जब 2 महीनों में गैस खत्म हो जाती है तो 600-700 रुपया देना पड़ता है, वहाँ इनको परेशानी हो रही है। अब पंचायती राज के नेता सरकार से बीपीएल परिवारों को गैस रिफिल करवाने में कुछ रियायत देने की मांग कर रहे हैं, ताकि गरीब परिवारों को राहत मिल सके। उज्ज्वला योजना के तहत सरकार ने डूंगरपुर में हजारों महिलाओं को मुफ्त में गैस कनेक्शन तो दिए, लेकिन आज भी इन आदिवासी क्षेत्रों में गरीबी और बदहाली का आलम यह है कि गैस कनेक्शन होने के बावजूद महिलाओं को चूल्हे में खाना बनाना पड़ता है, धुएं के बीच तपना पड़ता है। यानी साफ है कि सरकार ने उज्ज्वला योजना के नाम पर तो करोड़ों खर्च कर दिए, लेकिन जमीनी स्तर पर फायदा होता नहीं दिख रहा है। हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।